नमस्कार दोस्तों, क्लिनिकल सेंट्रिक पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्किन कंडीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे बहुत सारे लोग परेशान हैं, और ये एक ऐसी कंडीशन है जो मोस्टली फेस पर दिखाई देती है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में मेलाज्मा के नाम से जानते हैं। मेलाज्मा एक कॉमन स्किन कंडीशन है जो बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है, बहुत सारे फीमेल्स में देखने को मिलती है। तो आज हम मेलाज्मा के टोटल जानकारी लेने वाले हैं, क्या इसके कारण हैं, कैसे इसका इलाज किया जाता है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, क्या क्या इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, मेलाज्मा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्राउन या ग्रे कलर के पैचेज बनते हैं और मोस्टली चेहरे पर बनते हैं, और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आदमी को दूसरे के सामने जाने से पहले शर्मिंदा होना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसके कारणों के बारे में बात करें तो सन एक्सपोजर इसका पहला कारण है। सूर्य में आने वाली यूवी किरणें त्वचा में मेलानिन के उत्पादन को बढ़ा देती है, जो मेलाज्मा को बढ़ा सकती है। और बात करें दूसरे कारण के बारे में तो वो होता है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल फ्लक्चुएशन जैसे कि प्रेगनेंसी, बर्थ कंट्रोल पिल या हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ऐसी चीजें आपके मेलाज्मा को और ज्यादा ट्रिगर कर सकती हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स भी एक कारण है, क्योंकि मेलाज्मा जन्मजात और फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है। मेलाज्मा के बहुत सारे कारण हैं। और फोर्थ कारण के बारे में बात करें तो एथिनिसिटी भी एक कारण है। जो डार्कर स्किन टोन वाले लोग होते हैं उनमें मेलाज्मा होने की संभावना बहुत ज्यादा अधिक होती है। और बात करें इसके लक्षणों के बारे में तो आपके गालों पर, माथे पर, होठों या ऊपरी होठ पर गहरे या अनियमित पैच बन जाते हैं। और इसके दूसरे सिम्टम के बारे में बात करें तो इसमें सिमेट्रिकल अपीयरेंस दिखती है, जिसमें पैच चेहरे के दोनों हिस्सों पर बन जाता है। और तीसरा सिम्टम है कि इसमें फिजिकल डिस्कम्फर्ट किसी भी प्रकार का नहीं दिखाई देता है, लेकिन यह दिखने में चिंताजनक हो सकता है, यानी दिखने में असुहावना लगता है। और बात करें इसके इलाज के बारे में तो आपको दिन के टाइम पर सनस्क्रीन लगानी चाहिए जो कि SPF 30 या उससे अधिक हो। इसके अलावा चौड़ी बाउंड्री वाली टोपी पहने और सन ग्लासेस पहने, जिससे मेलाज्मा को और ज्यादा वर्सन कंडीशन में होने से रोका जा सकता है। इसके अलावा आपको टॉपिकल उपचार के बारे में बात करें तो डर्मेटोलॉजिकल अक्सर हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे कंटेंट से बनी क्रीम का सुझाव देते हैं, जो कि पेस को थोड़ा लाइट करने में सहायता करते हैं। इससे पेचेस का कलर थोड़ा लाइट दिखाई देता है। और थर्ड जो ट्रीटमेंट है वो केमिकल पीलिंग होता है। हल्के केमिकल पीलिंग से त्वचा की बनावट में सुधार हो सकता है और पिगमेंटेशन को भी कम किया जा सकता है। और नेक्स्ट ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो लेजर थेरेपी एक ट्रीटमेंट है जो बहुत ज्यादा प्रभावी है। तो विभिन्न प्रकार के उपचार मेलानिन को लिमिटेड कर सकते हैं और मेलाज्मा की ब्रेकआउट को भी कम कर सकते हैं। और अब आगे बात करें इससे कैसे बच सकते हैं, इसके बचाव के बारे में, तो आपको रोजाना सनस्क्रीन लगाना चाहिए, भले आप बादलियों के दिन में भी जाएं। जैसे आप कभी क्लाउडी डेज होते रहते हैं, क्लाउडी मौसम होता रहता है, तो हम सोचते हैं इससे नहीं धूप होगी, तो उसमें जाने से पहले भी हमको सावधानी रखनी है। इसके अलावा लंबी बाहों के कपड़े पहने, चौड़ी झालर वाली टोपी लगाएं, हार्मोनल ट्रिगर से बचे। अगर आपको मेलाज्मा की ज्यादा दिक्कत होती है तो स्पेशली ध्यान रखें हार्मोन ट्रिगर्स का, और स्ट्रेस को मैनेज करें, इससे आप आसानी से बच सकते हैं इसी कंडीशन से। और बहुत सारी स्किन कंडीशन से मेलाज्मा भी उनमें से एक है, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से सलाह लेना एक सबसे बेस्ट उपाय है, क्योंकि अपने हिसाब से किया गया उपाय हो सकता है प्रभावी हो या ना हो। इसलिए हमेशा कभी भी ऐसी कंडीशन दिखाई दे तो खुद के इलाज लेने से पहले हमेशा डर्मेटोलॉजिकल डॉक्टर को दिखाएं, ताकि एक इफेक्टिव इलाज हो सके और आपको भी कोई परेशानी ना हो, कोई साइड इफेक्ट के ऑप्शन ना हो। और दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो काम की लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।